हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस नई वीडियो में। और आज फिर से मैं आपको बताऊंगा मारुति सुजुकी इग्निस के बारे में। आज मैं बात करूंगा इसके इंजन के बारे में कि इसका इंजन कितना और क्या पावर, क्या टॉर्क जनरेट करता है और कैसा क्या उसका परफॉर्मेंस है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि मारुति सुजुकी जो इग्निस है, इसमें आपको इंजन मिलता है 1200 cc का फोर सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 113 Nm का टॉर्क और 81 PS की पावर जनरेट करता है। और क्योंकि गाड़ी वेट में हल्की है तो इसको चलाने में बहुत ही पंची टाइप की गाड़ी है, बहुत ही पंच फील होता है। जब भी आप एक्सीलेटर पर पैर रखेंगे तो गाड़ी एकदम से भागना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि इस सेगमेंट में, खासकर इस रेंज में, इस प्राइस रेंज में कोई भी गाड़ी आपको 1200 cc का इंजन नहीं देगी इस प्राइस रेंज में, जिस प्राइस में एक गाड़ी आती है। अदरवाइज़ दूसरी गाड़ी तो है फिर, लेकिन वो इसके कॉम्पिटिटर नहीं है। इसके कॉम्पिटिशन में जो गाड़ियां हैं वो इतना पावरफुल इंजन नहीं देती। तो सबसे बड़ा बेनिफिट इसका है इंजन में, तो यही कहूँगा कि अगर आपको गाड़ी से परफॉर्मेंस चाहिए, फ़न टू राइड गाड़ी चाहिए जिसको चलाने में आपको मज़ा आए, तो फिर ये गाड़ी आपके लिए है। तो इसके इंजन के बारे में मैंने बता दिया कि क्या क्या कैसा इसका पावर पिकअप है, और बहुत ही बढ़िया शानदार परफॉर्मेंस देता है इंजन। बिल्कुल साइलेंट रहता है चलने में, क्योंकि फोर सिलेंडर इंजन है। फोर सिलेंडर तो आपका टाटा टियागो में भी नहीं आता है, ना ही इसके जो और भी कॉम्पिटिटर हैं उनमें भी फोर सिलेंडर इंजन नहीं दे पाती वो गाड़ियाँ। तो सबसे बड़ा जो इसका मेन पॉइंट है, मैं यही कहूँगा कि इंजन इसका बहुत पावरफुल है और बहुत ही रिफाइंड इंजन है। गाड़ी को चलाने में बहुत ही मज़ा आता है और ये फ़न टू राइड गाड़ी है। अगर आपको फ़न टू राइड थोड़ी सी फंकी गाड़ी चाहिए, थोड़ी सी पंची चाहिए जिसमें पिकअप हो, एकदम से आप एक्सीलेटर दबाएं तो गाड़ी भागना स्टार्ट कर दे, तो फिर ये गाड़ी आपके लिए है। तो आज के इस वीडियो में मुझे यही बताना था कि इसका इंजन का कैसा क्या स्पेसिफिकेशन है, तो वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और भी आगे मैं इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करूँगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।